बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सत्यान याद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद सत्यान याद के नाम से। नाइन्थ क्लास के लेक्चर्स का जो सिलसिला स्टार्ट किया था, उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 28 है। तो 28 लेक्चर के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। शुरू करने से पहले हम देखेंगे कुछ लॉस ऑफ लॉगरिथम। अब लॉगरिथम के लॉस क्या है हमारे पास, ए, अब ए जो है ये बेस में है, तो ये बेस दी हुई हो या ना दी हुई हो तो ये इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो हम देखेंगे log m n is equal to log m plus log n। अब इसका क्या मतलब है कि दो नंबर्स हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर a की log अप्लाई हो रहा है, तो हम अगर उन दोनों पे अलग अलग log अप्लाई करना चाहें तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये था हमारे पास log m n। अब m n दो नंबर्स हैं, उन पे log अप्लाई है, हमने दोनों पे m पे अलग से और n पे अलग से log अप्लाई कर दिया, और फिर हमने दरमियान में क्या यूज किया, हम दोनों के दरमियान प्लस का साइन यूज किया। अब इसी तरह से अगर हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हो और उन पे log अप्लाई हो रहा हो, तो हम उन पे अलग-अलग जब log अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ऊपर वाला नंबर उसका लॉग लेंगे और फिर माइनस जो है वो नीचे वाला जो नंबर होगा डिनोमिनेटर में उसका हम लॉग ले लेंगे। इसी तरह से हमारे पास दो नंबर है पावर की शक्ल में, लॉग एम रेशो पावर एन है। तो अब हम एम की पावर लेने की बजाय क्या करते हैं, इस पावर को हम पहले लिख लेते हैं और जो एम है उस पर लॉग अप्लाई कर देते हैं। अब एम पे हम लॉग अप्लाई करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसको एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब एक नंबर है उसका हमारे पास लॉग है और ए जो है उसकी बेस है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक बेस जो है ये बी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 10 होगी, तो लॉग बी एन मल्टीप्लाई बाय लॉग ए और बी। अब ये हमारे पास इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और अगर इसी को हम डिवाइड की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब ये दोनों ए की फॉर्म है। अब देखिए ये यहाँ पे हमारे पास हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो लॉग का ये रूल है कि जब मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में लेके जाते हैं तो वहां पे हमारे पास बेस और जिस नंबर का लॉग लेना होता है उन दोनों की प्लेस चेंज हो जाती है। अब देखिए इसी को हम डिनोमिनेटर में लेके आए हैं, तो यहाँ पे बेस ए थी और ये बी का हमें लॉग फाइंड करना था, तो ये बी जो है वो बेस में आ गई और हम ए का जो है वो लॉग फाइंड करेंगे। तो ये पांच रूल है, पांच लॉज है लॉग के, जिनको हम याद रखेंगे और इनकी मदद से हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। अब इनको हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, किस तरह से लिखेंगे, यही जो लॉज फॉर्मूलाज गिवन है इन्हीं को यूज करके हम इनको लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखें, लॉग ए क्रॉस बी। अब दो नंबर्स हैं ए और बी और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पे लॉग अप्लाई हो रहा है। अब देखिए मैंने पहले बताया था कि बेस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे बेस जो है वो गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी बेस 10 ही होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग ए क्रॉस बी है, जब हम इस पे अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग हमारे पास हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। अब हमने ये किया किससे है, क्यों किया है, तो हम इसमें साथ मेंशन करेंगे, साथ बताएंगे कि हमने इस पे फर्स्ट लॉ जो है अप्लाई किया। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ क्योंकि सामने लॉज लिखे हुए हैं, तो आप जो है फर्स्ट लॉ यहाँ पे पूरा का पूरा लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, डिवीजन यूज की हुई है, लॉग 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। तो अब हम इसको जब सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये डिफरेंस की फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में है। तो अब हम जब इन पे अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5। अब हमने यहाँ पे किया क्या है, इसके सामने हम लिखेंगे कि हमने इस पे सेकंड लॉ यूज किया है, तो सेकंड लॉ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड और सिक्स पार्ट बिल्कुल सेम है, जस्ट इनके नंबर जो है इनकी वैल्यूज में डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
एक पार्ट मैं करूंगा, दूसरा आप खुद कर लेंगे। तो देखिए मेरे पास क्या है, log 21 multiplied by 5 by 8। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है और डिवीजन भी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पे पहले डिवीजन वाला लॉग अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास है log 21 multiplied by 5 by 8, तो पहले हम इस पे डिवीजन वाला लॉग लगाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास log 21 multiplied by 5। अब जब डिवीजन का लॉग लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला नंबर लिखते हैं पहले। तो ऊपर हमारे पास है 21 multiplied by 5 और माइनस के बाद हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है। अब हमने इस पे कौन सा लॉग अप्लाई किया है, हमने इस पे लॉग अप्लाई किया है सेकंड। तो आप सेकंड लॉग यहाँ पे पूरा का पूरा लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो मल्टीप्लीकेशन रह गई है उस मल्टीप्लीकेशन को भी हम प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने जो भी आंसर है वो प्लस या माइनस की फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, log 21 प्लस log 5 माइनस log 8। अब इसमें हमने कौन सा रूल लगा दिया, अब हमने इस पे फर्स्ट रूल फर्स्ट लॉ लगा दिया। अब देखिए मेरे पास इसका फोर पार्ट, तो फोर पार्ट में मेरे पास थर्ड रूल दिया हुआ है 7/15 का। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले तो लिख सकते हैं 7/15 होल रेज टू पावर 1/3। अच्छा, ये बात भी आपने याद रखनी है कि होल की पावर हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अगर पावर डिफरेंस हो अलहदा रहता हो तो उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये होल की पावर है। अब जब होल की पावर दी हुई हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले इस पे थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। ये वाला लॉ हम अप्लाई करके क्या करेंगे, इसकी जो पावर है उसको शुरू में लिख देंगे 1/3 और log इसका हम करेंगे 7/15 और सामने हम लिख देंगे कि हमने जो log अप्लाई किया है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पे हमारे पास अब ये 7/15 डिवीजन फॉर्म में है तो इस पे हम डिवीजन वाला लॉ अप्लाई करेंगे, वो क्या है, हमारे पास log m by n is equal to log m minus log n। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 यहाँ पे इसके बाद ब्रैकेट पहले लगाएंगे, उसके बाद log 7 minus log 15 लिखेंगे। अब देखें ये ब्रैकेट का मकसद क्या है, ये 1/3 जो है वो 7/15 दोनों की पावर थी। अब हमने ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब है कि ये 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये 1/3 7 के साथ रह जाएगा, 15 के साथ नहीं आएगा। इसलिए जब होल की पावर हो तो हम फिर ब्रैकेट लगा के या तो लिख देते हैं या फिर हर एक के साथ अलहदा अलहदा से लिख देते हैं। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखें तो log 22 रेज टू पावर 1/3 और 5 रेज टू पावर 3। अब ये एक तो होल की पावर नहीं है, होल की पावर ना भी हो हम होल की पावर बना सकते थे अगर पावर दोनों की सेम होती तो, लेकिन ये पावर भी डिफरेंट है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 22 उसकी पावर 1/3 है और जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर 3 है, इसलिए हम इसको होल की पावर भी नहीं बना सकते। अब जब ये होल की पावर नहीं बन सकता तो पहले जो है हम थर्ड लॉ इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, पहले जो है हम इस पे अप्लाई करेंगे डिवीजन वाला लॉ। डिवीजन वाला लॉ हमारे पास क्या है, log m by n वाला। तो हम क्या करेंगे, log 22 raised to power 1/3 divided by 5/3 को हम लिखेंगे log 22 raised to power 1/3 minus log 5 raised to power 3। अब हमने इस पे सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया। अब देखें हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई होगा, अब इन दोनों पे अलग अलग जो है वो थर्ड लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो वो हमारे पास बन जाएगा 1/3 log 22 minus 3 log 5। तो अब हम साथ ही लिख देंगे कि हमने जो भी लॉ अप्लाई किया है थर्ड लॉ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस log x minus 2 log x plus 3 log x plus 1 minus log x square minus 1 as a single log। अब ये हमारे पास पहले क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमारे पास सिंगल लॉग में वैल्यूज दी हुई थी, हमने उनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखा था। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सम और डिफरेंस की फॉर्म में दिया हुआ है और हमें हमसे कहा गया कि हम इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लेके आए। अब हम उसके अपोजिट फार्मूलाज लगाते जाएंगे और इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में ले आएंगे।
तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनमें जो प्लस वाली हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे और जो माइनस वाली हैं उनको इकट्ठा एक साथ कर लेंगे। तो हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा log x। अब log x है इसके साथ, ये पहली वैल्यू है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का ही है। उसके बाद देखेंगे प्लस 3 log x प्लस 1 है, तो इसको भी हम इसके साथ ले आते हैं 3 log x प्लस 1। उसके बाद है माइनस 2 log x, ये हम लेंगे, और उसके बाद हम माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब देखें, अब हम सबसे पहले कौन सा ला लगाएंगे, आप देखिए इसके अंदर हमारे पास log से पहले कुछ वैल्यूज आ रही है, ये 3 log x प्लस 1 और ये माइनस 2 log x आ रहा है, तो हम इस पे थर्ड ला अप्लाई करेंगे m रेज टू पावर n वाला। n log m की फॉर्म में है, हम इसको log m रेज टू पावर n की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, बाकी वैल्यूज हम उसी तरह से लिख देंगे log x। अब जहां पे हमारे पास log के लाग से पहले जो है कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम लाग के बाद वाला जो नंबर है, जो वैल्यू है, उसकी पावर में ले जाएंगे। तो ये हमारे पास प्लस लॉग एक्स प्लस वन रेज टू पावर 3 हो जाएगा। अब ये माइनस है, 2 लॉग एक्स है, तो ये हमारे पास लॉग एक्स स्केयर हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स स्केयर माइनस 1 हो जाएगा। अब देखें हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, थर्ड लॉ, तो यहाँ पे हम थर्ड लॉ जो है वो लिख देंगे सामने, ताकि पता चल जाए कि हमने किस लिहाज से इसको इस तरह से कन्वर्ट किया है, क्या यूज किया है। उसके बाद अब देखें, अब हमारे पास दो मेथड है, या तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन नहीं भी लेते तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्लस वाले वैल्यूज हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू लॉग, अब जब सिंगल लॉग हम अप्लाई करेंगे तो हम इसको करेंगे लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो हम इस तरह से सिंगल लॉग लिख सकते हैं, लेकिन हम बेहतर है कि हम इस पे पहले मल्टीप्लिकेशन लॉग लगा दें, इन इसका जो माइनस का साइन है वो हम कॉमन ले लें। तो हम क्या करते हैं, लॉग एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 क्यूब, और उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये भी हमारे पास प्लस की फॉर्म में हो गया, तो प्लस की फॉर्म में जो भी हमारे पास होते हैं नंबर उनको हम क्या करते हैं, जब सिंगल लॉग करते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस की वजह से अब दो नंबर हमारे पास हो गए, एक लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 का क्यूब और माइनस लॉग एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस आ गया है, तो माइनस की वजह से हम आप इसको इसके ऊपर हम डिवाइड वाला लॉ लगा देंगे, तो ये हमारे पास सिंगल लॉग की शक्ल में आ जाएगा। दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम ही आएगा, एक्स प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देखिए इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मजीद सिंप्लीफाई, यहाँ पे x है, ये x स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें x स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होता है, x प्लस 1 और x माइनस 1 के, क्योंकि x स्क्वायर तो है ही, 1 को हम स्क्वायर लिखें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 क्यूब और नीचे हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। अब यहाँ पे ऊपर x प्लस 1 की पावर 3 है और नीचे एक x प्लस 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हमने क्या किया, हमने इसको सिंगल लॉग के फॉर्म में लिख लिया, जहां जहां पे हमने जो जो रूल अप्लाई किया वो भी हमने साथ
जरूर लिखना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई किया था, यहाँ पे हमने सेकंड अप्लाई किया था, तो ये भी साथ लाजमी लिखेंगे ताकि पता चल सके। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।